गर्मियों के दिनों में कांच ना लगे उसके लिए आज मैं उपाय लेकर आया हूँ। यूँ तो सभी बताएंगे कि कांच लग गया है तो क्या करें, लेकिन आज मैं जो उपाय लेकर आया हूँ गर्मियों के दिनों में कांच ना लगे उसके लिए ज़बरदस्त उपाय। इस तो आज मैं बता दे रहा हूँ कि गर्मियों के दिनों में कांच ना लगे उसके लिए क्या उपाय करें। और आपको अगर 20 साल से 30 साल से खुजली हो गई है या एक्जिमा हो गया या सोराइसिस हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, दवा करा करा के थक गए हैं, खान सर से भी दवा करा के थक गए हैं, बड़ा बड़ा बातें करते हैं खान सर, पता नहीं क्या लोगों के पीछे है, तो आज मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे क्लिनिक पे आए। अगर आपका खुजली या एक्जिमा या ऐसा कुछ भी ठीक नहीं होगा मेरे द्वारा, तो आपके पूरे 100% पैसे वापस मैं कर दूंगा, एकदम गारंटी के साथ मैं ठीक कर दूंगा, नहीं तो पूरे पैसे आपके वापस। इस तरह का कोई भी दुनिया में चैलेंज नहीं देगा, लेकिन मैं दे रहा हूँ। और आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि गर्मियों के दिनों में कांच ना लगे उसके लिए क्या उपाय करें। यदि जांघों के बीच का जो कालापन है वो बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है, जैसे बेवकूफ़ बना दिया गया जांघों के बीच कालापन जो हो जाता है ना, कालापन कैसे होता है, कालापन सफाई ना रहने के वजह से कालापन हो जाता है। जैसे आप किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका जो रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा वहाँ पास नहीं कर रही है, मोटे मोटे इस तरह मोटे मोटे जींस आजकल लोगों को शौक बन गया है, इस कारण से जांग में कालापन हो जाता है। ये बेवकूफ़ बनाने वाला बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जांग का कालापन कुछ नहीं है। मैंने कोई दवाई नहीं खाया, किसी का भी नहीं, ना कोई किसी का वीडियो देखा, कुछ नहीं करना है। एक जांग का जो कालापन है उसको दूर करने के लिए मैं बहुत ही आसान उपाय बता देता हूँ, बस इसको आजमा कर तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक फिटकरी देख ले, फिटकरी जो होता है ना, फिटकरी जिसको हम लोग शेविंग की में यूज करते हैं, एक साबुन की तरह दिखने वाला फिटकरी, वो फिटकरी नहीं है, वो पैसा कमाने वाला होड़ है, तो वो नहीं, पत्थर की जैसा दिखने वाला फिटकरी जिसको हम लोग एलम भी बोलते हैं, वाइट रंग का एलम, इस तरह पत्थर की तरह दिखने वाला फिटकरी। ध्यान रखें, हम बात करने जा रहे हैं कि जांघों के बीच जो कालापन है वो बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है। सफाई नहीं रहेगी तब काला होगा, सफाई आप करते रहेंगे समय समय पे तो कभी कालापन नहीं होगा। अरे हम लोग भी तो इंसान हैं भाई, हम लोग भी तो वही काम करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हर बात में डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर कोई भगवान है क्या, उसको बार बार चरण पकड़ रहे हैं, है? क्या है डॉक्टर, पहले आज से 30 साल 40 साल पहले कोई डॉक्टर नहीं था, कोई आदमी को बीमारी नहीं थी, ना जींस था ना बीमारी था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई जांग में कांच नहीं लगता था। हाँ, उस समय के लोग क्या करते थे, पैजामा पहनते थे, सूती कपड़े का जो पैजामा होता है ना, गर्मियों के दिन तापमान बढ़ जाता है और हवा नहीं पहुंचने के कारण वहाँ कांच लगना चालू हो जाता है। कांच क्या होता है, कांच कुछ नहीं होता, कांच जैसे इसको आप ऐसे आप 108 बार अगर रगड़ेंगे तो यहाँ आपको लहर चालू हो जाएगा, समझिए यहाँ कांच लग जाएगा। आप आजमा कर देख लेना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित कर लेना, लेकिन एक बार आजमा के देखना, ऐसे ऐसे आप करो, आप देखोगे कि यहाँ कांच लग जाएगा, तो वही कांच होता है, कांच कुछ नहीं होता। हाँ, खुजली क्या होता है, ये खुजली एक अलग उपाय है, खुजली हो जाता है, जैसे खुजली में क्या होता है ना, जैसे ऐसे गोल दाने बन गए, इस तरह का गोल, उसमें छोटे छोटे दाने कम से कम 8 से 10 12 15
उग जाएंगे, छोटे 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 दाने, वो खुजली होता है, वो दिनाई होता है, उसको कुछ भी नाम से आप पुकार सकते हैं, जांघू मिट्टी निया। तो ये होता है लक्षण। तो हम बात करने जा रहे हैं कि आज गर्मियों के दिन में कांच ना लगे उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले एक शीशे का बॉल ले लेंगे, बॉल एकदम साफ़ होना चाहिए, शीशे का ही होना चाहिए और कोई नहीं, प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हम थोड़ा सा मिला लेंगे, जितना आपसे बन सके, बार बार भी कर सकते हैं, दो बार तीन बार भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करेंगे कभी कांच नहीं लगेगा, कभी भी कांच नहीं लगेगा। हम लोग वही करते हैं, कभी कांच नहीं लगता। 20 साल पहले कांच लगा था, लेकिन मैंने उस पर वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाँ, कांच लग गया है, कांच में जो दाने दाने हो गए हैं, जो खुजली, उसको ठीक करने के लिए उपाय है। कांच का कोई उपाय नहीं है, कांच मिनटों में ठीक हो जाता है, कांच कोई बड़ी बात नहीं है, सब बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े। और मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, दूसरा जो इसमें चीज़ मिलाना है वो ये सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये पैकेट बंद नहीं होना चाहिए, बाज़ार से कहीं भी पिसा हुआ आपको मिले, 50 ग्राम 100 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ली, 50 ग्राम अगर 160 रुपये किलो देता है, 160 रुपये यानी 16 रुपये का 100 ग्राम दे देगा, बहुत दिन चल जाएगा, इसको बना के आपको रख लेना है। इसमें दूसरा जो चीज़ मिलाना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें दूसरा जो चीज़ है ना, ये निहार का है यानी नारियल का तेल, थोड़ा सा इसमें मिला देना है, 4 से 5 बूंद, जितना क्वांटिटी में आपने सरसों का तेल मिलाया है उतना ही क्वांटिटी में आपको ये मिला देना है। और इस दोनों को अच्छी तरह से मिला देना है, इस दोनों को अच्छी तरह से, पूरी अच्छी तरह से मिला, ये यूँ कहिए कि एक दिन पहले आपको उसको बना के छोड़ दीजिए, ये अपने आप पूरी तरह से मिल जाएगा। जब थोड़ा सा चम्मच से या किसी भी उंगली की तरह बदल आमलेट की तरह थोड़ा सा घट दे, रस्से रस्से में दोनों मिल जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, अब इसे ध्यान से सुनिएगा, वीडियो तो लंबा होगा ही क्योंकि पूरी बात बतानी है, छोटा बात बताएंगे दिखने में छोटा लगे घाव करेगा, फिर वैसे ही जहर वाली बात नहीं बता रहे, इससे आजमा कर देखिए बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये जो है ना, ये ना जैसे कालापन हो गया, कहीं भी कालापन हो गया, कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में कालापन हो गया, तो इस पर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा सुबह उठते ही सबसे पहला काम है, सुबह जैसे आपने बासी मुँह उठा ऐसी थूक लेकर थूक देना है, इस पर थूक देना है, और जहाँ पे आपका कालापन है, ये आपका शरीर का थूक है, ये बहुत महंगा है, अमेरिका में बहुत महंगा है, इतना छोटा सीसी का बहुत ज़्यादा कीमत है, इसे हम लोग व्यर्थ गंवा देते, कुछ लोग घंटों घंटों दांत में रगड़ते रहते हैं, उसको व्यर्थ गंवा देते हैं, हम लोग व्यर्थ नहीं गंवाते, सुबह उठते हैं आप पानी पी लेते हैं। तो इसको जहाँ भी आपका कालापन हो गया है, वो दाग किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने की जरूरत है, ऐसे ऐसे आप रगड़ रगड़ के ठीक कर लेंगे, रगड़ने के बाद आपको इसको जितना देरी छोड़ देना है छोड़ दीजिए, देखिए वो अपने आप ठीक होना चालू हो जाएगा, इस तरह का, यही इस तरह का करना है कालापन दूर करने के लिए। और ये जो है कांच ना लगे, कभी भी कांच, गर्मियों के दिन में कभी भी कांच ना लगे, तो सबसे पहले क्या करें, कोई भी साबुन जिसमें लेमन यानी नींबू का अंश होना चाहिए, लिरिल या लाइफ बॉय भी आता है एक लेमन करके, लेमन का अंश होना चाहिए उसमें, लेमन अपने जो न जांघों के बीच में पैंट प्राइवेट पार्ट में हाथ लगा कर उसको साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, उसको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, पोंछने के बाद आपको इसको वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे मल देना है, ऐसे ऐसे मल के 1 से 2 मिनट तक ऐसे मल के छोड़ देना है। देखिए आपको कभी भी ज़िंदगी में कांच नहीं लगेगा, ये जब आप कहीं बाहर निकले मोटे मोटे जींस पहने रहे कुछ भी, ये कभी कांच नहीं लगेगा, इसको आजमा के देखिए, मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार आजमा के देखा, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है, एकदम छोटा सा उपाय, कोई भी कर सकता है, बच्चा बूढ़ा स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी कर सकता है, इससे कभी भी ज़िंदगी में कांच नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब इसी के लिए डॉक्टर को पूजा करते हैं, लाइन लगाते हैं घंटों बैठ के, 500 रुपये फीस देते हैं,
कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने आज तक कभी दवा का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कभी किया नहीं। हाँ, बचपन में किया, लेकिन जब से मैंने पढ़ाई किया तब से मैंने दवा का डॉक्टर की दुकान में जाना ही भूल गया। वहाँ जाता हूँ, कभी गलती से चला गया तो वहाँ पेशेंट को घुटने में दर्द होता है तो मैं मिनटों में ठीक करने का दावा कर देता हूँ। तो कुछ लोग को कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे मुंह फेर के फेर लेते हैं इस कारण से कि कहीं पैसे उसे का मांग डिमांड ना कर ले। तो ये करें, कभी नहीं लगेगा आपको कांच, कभी ज़िंदगी में नहीं लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए बीमारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे ऑल इन वन चैनल 36 से। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों और माताओं बहनों को शेयर करें, जो ज़्यादा कांच के चलते परेशान है उसको जरूर से जरूर शेयर कर दें। फिर मिलेंगे, जुड़े रहे हमारे चैनल से। मस्त रहे, स्वस्थ रहे।